हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं हूं देवपाल और आज की इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताने वाला हूं कि आप फोन पे अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको शुरू से लेकर के पूरा प्रोसेस बताऊंगा, ए टू जेड बताऊंगा। अगर आप फोन पे कभी यूज नहीं किए होंगे अपने लाइफ में तो भी आप सीख जाएंगे कि आप फोन पे अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको जो है फोन पे अकाउंट बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक का पूरा आपको बताऊंगा कि आप कैसे बनाएंगे, पैसा वगैरह कैसे सेंड करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको यही बताऊंगा कि आप इस फोन पे अकाउंट को बनाएंगे तो आपको कैशबैक भी मिलेगा। ये सब कैसे मिलेगा, आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो अब गाइज, आपको फोन पे अकाउंट बनाने के लिए या तो फ्रेंड आप प्ले स्टोर से फोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे या फिर आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस फोन पे ऐप का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके डाउनलोड करेंगे। अगर आप हमारे लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड करेंगे तो आपको 100 रुपये का कैशबैक भी मिलेगा। तो फ्रेंड, ये आपके ऊपर है कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं या फिर आप हमारे लिंक से डाउनलोड करते हैं। तो आपको जहाँ से मर्जी हो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ से गाइज, ये जो फोन है मेरे फ्रेंड का है, तो यहाँ से मैं अपने फोन पे का रेफरल लिंक इसको शेयर किया हूँ इसके व्हाट्सअप में। तो मैं जो है अपने इस रेफरल लिंक पे क्लिक करके अपने इस फोन पे को यहाँ से डाउनलोड करूंगा ताकि कैशबैक मुझे भी मिल जाएगा और मेरे इस फ्रेंड को भी मिल जाएगा। तो चलिए, मैं इस व्हाट्सएप को ओपन करके रेफरल लिंक पे क्लिक करके फोन पे ऐप को डाउनलोड करता हूं, उसके बाद आपको आगे पूरा दिखाता हूं। तो यहां से देखिए, मैं अपने फ्रेंड के मोबाइल में जीबी व्हाट्सएप को ओपन कर रहा हूं। उसके बाद यहां से देखिए, मैं जो इसको लिंक शेयर किया हूं फोन पे का, तो यहां मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूं। सो अब देखिए, आप जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपको गूगल प्ले पे डायरेक्ट कर देगा। तो अब आप यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। तो अब जैसे ही एप्लीकेशन आपके फ़ोन में पूरी तरह से इंस्टॉल हो जाता है तो आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। अब देखिए, आप जैसे ओपन करेंगे तो इस एप्लीकेशन का जो होम इंटरफेस होगा आपके सामने इस तरह से आएगा। अब यहाँ से गाइज, आपको जो है यहाँ पे अपना 10 डिजिट मोबाइल नंबर एंटर करना है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है, आपको यहाँ पर अपना वही मोबाइल नंबर एंटर करना है जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक है और आप जिस भी बैंक को ऐड करना चाहते हैं। तो चलिए, यहाँ से मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। अब आप यहाँ मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आप यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक यहाँ वेरीफाई हो जाएगा। अब आपके सामने यहाँ पे लोकेशन का परमिशन आएगा, तो आप यहाँ क्लिक कर देंगे व्हाइल यूजिंग दी ऐप। उसके बाद आपके सामने परमिशन आएगा, तो आप यहां सभी परमिशन को अलाउ कर देंगे। तो अब जैसे ही परमिशन को अलाउ कर देंगे तो अब गाइज, आपके सामने आपका फोन पे अकाउंट यहां पे क्रिएट हो जाएगा और आपके फोन पे का जो होम डैशबोर्ड होगा वो यहां पे ओपन हो जाएगा। तो अभी गाइज, यहां पे जो है आपका केवल फोन पे अकाउंट मोबाइल नंबर से बना है। अभी आपको इसमें बैंक अकाउंट वगैरह ऐड करना है, UPI पिन सेट करना है, उसके बाद आपको ट्रांजेक्शन कैसे करना है ये सब मैं आपको बताऊँगा। तो अब अगर आपको इसमें बैंक ऐड करना है तो देखिए, आपको यहीं पे ऑप्शन मिलेगा ऐड बैंक अकाउंट का, या फिर आप यहाँ प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको देखिए, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ऐड बैंक अकाउंट का, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे गाइज, अभी आप जिस नंबर से अपना फोन पे अकाउंट बनाए हैं इस नंबर से आपका जो भी बैंक लिंक होगा वो बैंक आप यहाँ चूज करेंगे। तो अब चलिए गाइज, यहाँ से मैं अपना बैंक चूज कर लेता हूँ। तो मेरा जो है इस नंबर से मेरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से लिंक है, तो यहाँ से मैं अपने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ से चूज कर लेता हूँ। अब जैसे ही आप बैंक चूज करेंगे तो ये पूछेगा कि आपका जो ये नंबर है आपकी इस बैंक से लिंक है, तो ये जो आपका नंबर है वो SIM 1 में है या SIM 2 में है। तो आप यहाँ से सिम स्लॉट चूज करेंगे। तो जैसे कि आज ये जो नंबर है मेरे बैंक से जो लिंक है ये यहाँ SIM 2 में है, तो यहाँ से मैं SIM 2 चूज कर लूँगा। उसके बाद आप यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो अभी देखिए, यहाँ पर ये जो है मैसेज सेंड हो रहा है ताकि ये जो है वेरीफाई हो जाए बैंक के थ्रू। तो अभी देखिए, जहाँ से जो डिटेल्स यहाँ पर फैचिंग कर रहा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से। तो अब देखिए आज, मेरे इस नंबर से मेरा जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट है वो यहाँ पे पूरे से फैच कर लिया है। जैसे कि देखिए, ब्रांच और आपके उस अकाउंट में आपका क्या नाम होगा और FSC कोड वगैरह यहाँ पे शो कर देगा, और यहाँ पे आपको जो है बाय डिफ़ॉल्ट एक UPI ID भी बना करके दे देगा। तो अब आप यहाँ प्रोसीड टू ऐड पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ से देखिए, आपका जो बैंक अकाउंट होगा आपके इस फोन पे एप्लीकेशन में ऐड हो जाएगा। तो अब गाइज, यहाँ पे केवल आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड हुआ है। अगर आपको किसी को पैसा सेंड करना होगा तो आपको UPI पिन बनाने की ज़रूरत होगी। तो अब आप यहाँ सेट UPI पिन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए, अब जैसे आप यहाँ सेट UPI पिन पे क्लिक करेंगे तो आपसे आपके ATM कार्ड का डिटेल्स पूछा जाएगा। तो जैसा कि आज यहाँ पे ये जो क्लाइंट है इसके पास इसका ATM कार्ड नहीं है, तो ये जो है UPI पिन नहीं बना पाएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे बस आप केवल एक ही बेनिफिट आप ले सकते हैं। अगर आपको कोई पैसा भेजेगा तो आपके इस अकाउंट में पैसा आ जाएगा, लेकिन अगर आपको वापस पैसा भेजना होगा तो आप पैसा नहीं भेज पाएंगे।
अगर आपको पैसा भेजना होगा तो आपको अपने इस बैंक से अपना ये एटीएम कार्ड इशू कराना होगा। उसके बाद आपको अपने उस एटीएम कार्ड का नंबर वगैरह यहाँ पे डाल के और सीट पे क्लिक करके यूपीआई पिन सेट करना होगा। तो गाइस किसी भी बैंक के लिए एटीएम कार्ड से यूपीआई पिन कैसे सेट करते हैं इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ, तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। इसके बाद आप यहाँ से आगे का प्रोसेस सीख जाएंगे कि आप जो है यूपीआई पिन कैसे बनाएंगे। तो फिलहाल गाइज इस वीडियो में मैंने आपको पूरा सिखाया कि आप फोन पे अकाउंट कैसे बनाएंगे और यूपीआई पिन कैसे सेटअप वगैरह करेंगे। तो आई होप गाइज कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स में, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।